नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर अलीगंज से है। उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन को लेकर तहसील टास्क फोर्स की हुई मीटिंग। पहले चरण में कोरोना टीकाकरण में अलीगंज में 590, जाथरा में 789 चिन्हित सीएचसी और पीएचसी में कंट्रोल रूम बनाने के दिए निर्देश। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रसार प्रचार कराए एसडीएम राजीव पांडे। आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाए ताकि हर व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिल सके। वैक्सीन को लेकर डीएम और आईएलआर की व्यवस्था सीएचसी पर सुनिश्चित की जाए। तहसील अलीगंज पर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए तहसील टास्क फोर्स का आयोजन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ। कोरोना वैक्सीन की तैयारी राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर चल रही है। सरकार के निर्देश के अनुसार यह वैक्सीन तीन चरणों में लगाई जाएगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, दूसरे चरण में नगर पालिका, पुलिस विभाग तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों तथा तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। तैयारियों के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं उपजिलाधिकारी राजीव पांडे ने निर्देश दिए हैं कि अलीगंज एवं जाथरा ब्लॉक में ब्लॉक कंट्रोल रूम तथा कमेटी का गठन किया जाए। पूर्ण सकारात्मक प्रचार प्रसार भी किया जाए। वैक्सीन को लेकर डीएम और आईएलआर की व्यवस्था सीएचसी पर सुनिश्चित की जाए। आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाई जाए। बैठक में क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार अलीगंज एवं जाथरा ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं WHO एवं यूनिसेफ के ब्लॉक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। साहब, आपकी अध्यक्षता और सीईओ साहब भी मौजूद रहे, एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कई विभाग के लोग, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मीटिंग का क्या आयोजन था? ये मीटिंग क्योंकि प्रदेश लेवल पर आने वाली वैक्सीन के संबंध में की जानी है, जिला स्तर पर बैठक आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर की जो कमेटी है उसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक तहसील पर उपजिलाधिकारी की और अपनी टीम की साथ एक वैक्सीन के संबंध में बैठक हर सप्ताह आयोजित की जाए और उसके प्रचार प्रसार और उसके कार्ययोजन के कराए जाने में पूर्ण कमेटी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें।